वह उनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए ना। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न था। पहले तो आप स्त्री को लेते हैं, स्त्री लेखन। और देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, लेखन क्या होता है, ज़मीन से ही उपजता है ना। एक यथार्थ, जिस यथार्थ में हम जी रहे हैं, आज देखिए ग्लोबल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, बाहर के बहुत से प्रभाव हैं जिसने हमें एक आयातित संस्कृति हम पर हावी होने लगी। इसलिए मैं ये नहीं कहती सब गलत है, काफ़ी कुछ ज्ञान भी हमने पाया है। देखिए मोबाइल से आपके हाथ में दुनिया पर घूम सकते हैं, लेकिन इससे कुछ कुप्रभाव भी आ गया। हम लोगों ने सब कुछ अच्छे प्रभाव भी लिए, कुछ थोड़ा सा गलत भी आ ही जाते हैं। मैं उसका उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं कुछ लेखिकाएँ हैं जो एक प्रभाव ये कि देह ही प्रमुख हो गई है, देह का अपना धर्म है वह मानती है। फिर भी आदमी के पास एक विवेक होता है, उसकी चेतना होती है, खाली शरीर कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ नई लेखिकाओं से भी, हम लोगों ने भी लिखा है, शरीर तो है पर थोड़ा चेतना के साथ जोड़ कर देखो उसको, मात्र देखो एक व्यापार की तरह इस्तेमाल मत करो। ये प्रयोग पहले बहुत हो चुके हैं, अब नहीं होंगे, पर ये आज ज़रूर है। जो जिस समय में हम जी रहे हैं, आर्थिक है, उदारीकरण का है, तो उसमें उपयोग उपभोक्तावाद जिसे आप कहते हैं, उसमें स्त्री के शरीर का भी उपयोग होता है। पहले भी हम लोगों ने किया, मैंने कहा कुछ लोग नाराज़ होंगे, वेदों पुराणों में भी स्त्री को देवी कहा, कुछ भी कहा, सरस्वती लक्ष्मी शिवा। हम मानते हैं, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में शिव को मानते, शक्ति के कारण वो शिव है कल्याणकारी, नहीं तो वो शव है। अगर शक्ति नहीं होती तो शिव नहीं होता, कल्याणकारी नहीं होता। इतनी महत्ता दी, लेकिन उसके साथ आपने क्या किया, उसके साथ आपने देवी को आपने मंदिरों में अर्पित कर दिया, देवदासी बनाया, तो ये तो देवी नहीं हुई ना। आपने राजाओं के दरबार में उसको नचाया, नर्तकी बनकर आपने विषकन्या बनाया दे उसको, ये सब हमारे इतिहास में दर्ज है। तो इस तरह आप, मुझे लगता है स्त्री का उपयोग बहुत हुआ है, तो इसके लिए ज़रूर है कि हमारी रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था, उसमें स्त्री को दो दर्जों पर माना गया है। लेकिन आज स्त्रियां इसका विरोध कर रही हैं, खासकर 50 के दौर। मैंने कुछ नाम लिए, कृष्णा सोक्ति का नाम लिया, अब मैंने मनु भंडारी का नाम लिया, उषा प्रेमदा का नाम लिया, उसके बाद स्त्रियां जो हमारे समय की हैं, मृदुला गर्ग हैं, चित्रा मुद्गल है, मैं हूँ, सूर्य बालक, अनेक नाम हैं जिन्होंने अलग विषय, उन्होंने कहा ना विषय अलग अलग विषय हमने लिए। मैं कश्मीर से हूँ, आतंकवाद पर मैंने लिखा है, हमारा जो विस्थापन हुआ उससे क्या ट्रेजिडीज़ होती हैं उस पर मैंने लिखा है। ऐसा नहीं खाली हम घरों में बंद हैं, हर विषय में लिखे। आर्थिक, हमारे एक अलका सरावगी नाम से, उसने लिखा जो इकोनॉमिक बूम है आजकल, उसकी क्या प्रतिक्रिया, उस पर क्या प्रभाव होता है फैमिलीज पर। और एक नई पौध है जो स्थिति को कहती है भाई आज ये है, हम यही लिखेंगे। थोड़ा मैं इसमें अभी बोलना नहीं चाहती, इसको बोल चुकी हूँ। अपन कहीं कहीं पर शुरू हो गया मैडम, हाँ मैं चलती हूँ। कहीं पर देह को बहुत विवाद बोलते हैं, हम कहते हैं देह ज़रूरी है, पर थोड़ा सा उसका उपयोग हमें देखना चाहिए। हमें जानना है कि हम किस तरह की स्त्री बनना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैडम। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।